हेलो गाइस, तो यार रीप राजस्थान की काउंसलिंग ऑलमोस्ट एंडिंग राउंड पे है। अब आप लोगों को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, जिन बच्चों को ठीक ठाक ब्रांच अलॉट हो गया है, जिनको अलॉट नहीं हुआ है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया है, RTU में अच्छा ब्रांच मिल गया है, CTI में अच्छा मिल गया है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में आपको अच्छा ब्रांच मिल गया है, एंड आप लोगों की क्वारी ये रहती है बहुत सारे बच्चों की कि भैया हमको बहुत अच्छा ब्रांच अलॉट हो गया है, हमको इसी कॉलेज में रहना है, अगर हम अपवर्ड मूवमेंट पे जाते हैं तो हमको हो सकता है ऊपर के अंदर कोई घटिया कॉलेज मिल जाए या फिर दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हमें इसी कॉलेज में दूसरी ब्रांच अपग्रेड करनी है, देन एक डेट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर कंडीशंस अगर कंसिडर करें, जैसे कि आपको MBM में इलेक्ट्रिकल मिला है या फिर आपको JECRC फाउंडेशन के अंदर कोई XYZ ब्रांच मिला है, लेकिन आपको कॉलेज तो वही चाहिए, लेकिन आपको अगर ब्रांच चेंज करना है, देन एट डेट कंडीशन कॉलेजेज अपना एक राउंड चलाती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्लाइडिंग, यानी कि आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो, आपको अपवर्ड मूवमेंट या फिर लाइक दैट किसी मूवमेंट में नहीं जाना, आपका वही कॉलेज रहेगा लेकिन आपकी ब्रांचेज चेंज हो सकती है अगर कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग, आपकी ब्रांचेज चेंज होने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब दूसरा केसेस क्या है, कुछ बच्चों को कुछ कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कंसिडर करें कि आपको जो है JECRC फाउंडेशन का आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया, ठीक है, एंड आपने जो ऊपर जो ब्रांचेज भरे हैं वो ब्रांचेज है लाइक जैसे उसमें कुछ तो बेकार कॉलेज आपने डाल दिए हैं या फिर टॉप कॉलेजेस के CS और IT है, देन क्या आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाना चाहिए। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाते हैं तो भैया आपको वो बेकार जो कॉलेज है उसका हमको कोई ब्रांच अलॉट हो जाएगा और जो एक कॉलेज मिला है ये भी चला जाएगा, देन एट डेट कंडीशन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो जो मिला है उसी में रहिए। ओके, कुछ कंडीशंस है, बहुत सारे बच्चे परेशान है रिगार्डिंग द एडमिशन कि भैया हमको तो बीकानेर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मिला है, हम वहाँ पे गए भी थे, वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अच्छी सड़कें हैं, एंड हमको बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छा लगा नहीं, भैया हमको तो करौली के अंदर कोई ब्रांच मिल गया है, दौसा में कोई ब्रांच मिल गया है, पता था नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज का नाम देख के हमने कॉलेज को उसमें डाल दिया, अब अगर हम रिपोर्टिंग भी करें एंड अगर हम पैसा भी भरें अपवर्ड मूवमेंट पे अगर जाते हैं तो ऊपर टॉप के कॉलेजों के CS पड़े हैं लाइक MBM का CS, RTU का CS, CTI का CS एंड हमारे परसेंटाइल 70 है, अपवर्ड मोमेंट में हमको वैसे भी नहीं मिला, हम करें तो करें क्या, देट आर एट डेट कंडीशन, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो कोई ब्रांच मिला ही नहीं अभी तक, और अगर मिला है तो या तो किसी प्राइवेट कॉलेज का ब्रांच मिल गया है या फिर किसी लोअर कॉलेज का लोअर ब्रांच या अच्छा ब्रांच मिल गया है, देन एट डेट कंडीशन आप लोगों के पास क्या है, वो यार स्पॉट राउंड एडमिशन। ये स्पॉट राउंड एडमिशन क्या होता है, क्या कॉलेजों के पास कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल रहती है, देखिए यार जनरली जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस स्पेशली इनकी जो टेक ब्रांचेज है वो जनरली फिल हो जाती है, 70% केसेस के अंदर इनकी 70% सीटें जो है भर जाती है, अगर कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो अप्रोक्स 60 से 70 सीटें कॉलेजों की भर जाती है, 30% सीटें वैकेंट रहती है फॉर द फर्दर राउंड, जैसे कि हम स्पोर्ट राउंड या फिर नॉर्मल मैनेजमेंट या फिर डायरेक्ट एडमिशन राउंड बोलते हैं, इसमें अप्रोक्स जो आप मान के चलिए कि 30-40% सीटें हर साल कॉलेजेस में वैकेंट रहती है। एक्सेप्शनल केसेस में अगर बात करें, जो कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने भर भर के CS IT की सीटें रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर कुछ कॉलेजेस कंसिडर करें, जैसे जयपुर के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप अगर उनके आंकड़े देखोगे तो उन कॉलेजों में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना मुश्किल रहेगा अदर देन कि आप अगर CS या टेक ब्रांचेस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, JECRC फाउंडेशन एक कॉलेज है जयपुर के अंदर, डिसीजन प्राइवेट कॉलेज, आप अगर उसकी सीटों का अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे देन आप देखेंगे कि यार उसके अंदर टेक ब्रांचेज की जो सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद सीटें हैं 400, इसके बाद में अदर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर डेटा साइंस और लाइक डेट, अगर आप टेक ब्रांचेज की सारी सीटें मिलाते हैं तो सीटें आती है तकरीबन 1024 या 1020 के आसपास। वहीं अगर आप अदर ब्रांचेस कोर ब्रांचेस देखेंगे लाइक अगर मैकेनिकल स्विल इलेक्ट्रिकल, देन एक ब्रांचेज आपको दिखेगी क्या, हाँ 30 सीटें 60 सीटें लाइक देट। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस,
तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको इनरोल करना है स्पेशली इन द टेक ब्रांचेज और अच्छी लोकेशन, देन यार जयपुर इज द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। एंड आप इन प्राइवेट कॉलेजों को टारगेट कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा यू नो ख्याति वाला सिस्टम नहीं है कि आपको एकदम लग्जरियस नेटफ्लिक्स वाली जिंदगी मिलेगी, हाँ हाँ एकदम आपका यू नो वो वाला लाइफ नहीं है, लेकिन हाँ एट ए नॉर्मल फीस के अंदर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। वही है कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, 1000 बच्चे यू नो टेक ब्रांच के अंदर पढ़ाई करते हैं और आपको 60 सीटों का प्लेसमेंट दिखाया जाता है, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर आपको अगर 30 बच्चों का प्लेसमेंट दिखा दिया जाता है कि हमारे पास ऐसे 30 LP गए, 40 LP, 50 LP है, तो कोई वो कि एक बहुत बड़ी थिंग नहीं है, क्योंकि बच्चे भी तो 1000 है यार, 1000 बच्चों में से वहीं से तो निकलेंगे, हो सकता है देश का प्रधानमंत्री भी 1000 लोगों में से निकल जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यार कोई बहुत बड़ा कोई लग्जरियस जिंदगी नहीं है जो बच्चे ऐसे समझते हैं कि यार 30 LP का जा रहा है, 50 LP जा रहा है, 60 LP जा रहा है, वो ना 1000 बच्चों में से जा रहा है, ठीक है। वहीं यार अगर मैं बात करूँ स्पॉट राउंड एडमिशन का, कैसे पता चलेगा है आप लोगों को सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में कितनी सीटें वैकेंट है, तो आप लोग कॉलेजेस के टच में रहिए। स्पेशली बहुत सारे कॉलेजेस न्यूज़पेपर्स के अंदर प्रकाशित करते हैं अपने न्यूज हेडलाइंस, डायरेक्ट एडमिशंस, कॉलेज में रिपोर्टिंग इस डेट को, ठीक है। स्पेशली आप राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर के अंदर देख सकते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं डालते हैं ये लोग, 500 रुपये 50 रुपये पर वर्ड वाला जो सिस्टम अपनाते हैं, लास्ट के अंदर अप्रोक्स दिखा जाएगा आप लोग, हम लोग बता देंगे कब जनरली डालते हैं, ठीक है। आप लोग ये वेट करिए कि अप्रोक्स 24 या 25 तारीख तक आप लोगों को इसका खबर मिल जाएगा रिगार्डिंग जो एडमिशन होने वाले हैं डायरेक्ट एडमिशन पे। एंड वी आर श्योर दैट क्या 40% सीटें अप्रोक्स, स्पेशली टेक ब्रांचेज में काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रहती है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इन ब्रांचेज के अंदर अगर आपके जेई मेन में 65% के आसपास भी है, देन आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज लाइक आरटीयू कोटा, सीटीयू उदयपुर, जीईसी अजमेर के अंदर मिल जाता है जनरली। एंड अगर आपको टेक ब्रांच चाहिए देन 80% तक आपको जेई मेन वाले परसेंटाइल पे आपको अलॉटमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे लोग मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप जेन्युइन काउंसलिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी भी बहुत सारी पेड काउंसलिंग चलती है, हम 24/7 ओपन रहती हैं, आपका कोई भी सवाल हो कोई भी सुझाव हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर दिख जाएगा। एंड आपको अगर और भी रेगुलरली अपडेट चाहिए रहते हैं रिगार्डिंग रीप एडमिशन प्रोसेस, आप हमारा नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही आउट ऑफ राजस्थान आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, स्पेशली इन द पंजाब, उत्तराखंड, उसके बाद में जम्मू कश्मीर एरिया हो गया, उसके बाद में इधर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, बहुत सारे लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद में आप लोगों के और भी कोई सवाल हो सुझाव हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली स्पॉट राउंड एडमिशन्स में लॉट ऑफ सीटें वैकेंट रहती है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रहती है स्पेशली इन द टेक ब्रांचेस, तो आप रीप के बाद एडमिशन्स में एनरोल कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं कि यार मेरे को ये लोअर ब्रांच मिला है और इसमें भी पढ़ा रहता हूँ, अब मैं करूँगा क्या क्या नहीं करूँगा। रीप में अगर आपने पैसा जमा भी कर दिया है, आपने अगर एडमिशन ले भी लिया है, देन नो वरी, आपको अगर कोई अच्छा ब्रांच मिल रहा है, आप अगर स्पोर्ट राउंड में अगर आपको अच्छा लोट हो रहा है, देन यू कैन विथड्रॉ द सीट, आप कॉलेज से बात कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका 500, 1000, 2000 तक वो लोग आपका एडमिनिस्ट्रेशन फीस काटते हैं, इससे ज़्यादा आपको कट नहीं लगाया जाता है। हालांकि एडमिशन की आपकी जो फीस है उसको रिफंड होने में 1 महीने से 2 महीने कॉलेज वाले लगा देते हैं, इसलिए जो कॉलेज को आपको न्यू कॉलेज को जो फीस देनी है उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन पहले वाली फीस का आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, वो आपके बैंक अकाउंट में एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज द्वारा डाल दी जाएगी। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। और भी कोई सवाल सुझाव हो आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि रीप राजस्थान की एडमिशन्स स्पेशली इन द स्पोर्ट राउंड 25 जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा बहुत सारे कॉलेजेस के द्वारा। हालांकि लॉट ऑफ कॉलेजेस में सीटें वैकेंट रहती है, एंड आपको अगर लगता है कि हमारी कुछ सुझाव हमारे पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे कॉलेजों में बहुत अच्छी ब्रांच अलॉट करा सकता है, देन आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारे कॉल सर्विसेज पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट ब्रांच फॉर यू।